तो आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग एरे के बारे में। स्ट्रिंग एरे कैन होल्ड लेटर वर्ड सिंबल्स इंक्लूडिंग नंबर्स, ठीक है ना, इंक्लूडिंग नंबर्स, बट दे ऑल आर कंसीडर्ड टेक्स्ट and in programming language strings are the literals, ठीक है ठीक है। तो अब ये strings कहलाते हैं और strings cannot be calculated, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि जब हम स्ट्रिंग्स की बात करते हैं तो स्ट्रिंग का मतलब है कि स्ट्रिंग एरे जो है वो लेटर को भी होल्ड कर सकता है, वर्ड को भी होल्ड कर सकता है, सिंबल्स को भी होल्ड कर सकता है, नंबर को भी स्टोर करेगा। लेकिन ये जो लेटर, वर्ड, सिंबल और नंबर होंगे इन सबको वो कंसीडर करेगा टेक्स्ट, आम अल्फाज में, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं क्या, स्ट्रिंग्स। और स्ट्रिंग्स को हम लिटरल्स भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इनके दरमियान में कैलकुलेशन नहीं हो सकती। जैसे इंटीजर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हम स्टोर कर रहे थे एलिमेंट में, तो उनको हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखा था, लेकिन स्ट्रिंग्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकता। हमारा दो वर्ड तो प्लस नहीं हो सकते ना, ए प्लस ए तो नहीं हो सकता, राशिद प्लस मुसिफ तो नहीं हो सकता। तो ये जहन में रखनी है आपने बात कि स्ट्रिंग्स के ऊपर कैलकुलेशन नहीं हो सकती। ओके, अब चलते हैं इसको कैसे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर आके अपने प्रोग्राम में एक स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर करना है। तो उसके लिए मैंने एक नई फाइल भी ऐड करी है, #include string। ये एक लाइब्रेरी फाइल है जो स्ट्रिंग के फंक्शंस को एनेबल करेगी आपके प्रोग्राम के अंदर। स्ट्रिंग फंक्शंस को क्या करेगी, एनेबल करेगी आपके प्रोग्राम के अंदर। ये ध्यान में रखिएगा बात को। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि स्ट्रिंग के फंक्शन को एनेबल करेगी आपके प्रोग्राम के अंदर। तो अभी यहाँ पर हम आगे कोड लिखेंगे। सबसे पहले स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रिंग लिखना है, फिर एरे का नाम लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स के नाम का एक एरे डिक्लेयर कर दिया, और उसके आगे उसकी हमने बताने के लिमिट्स, तो मेंबर ऑफ एरे बताने 0 1 2 3 4 5 कितने बताने, हमने कहा 3। तो उसके आगे फिर अगर डायरेक्टली इसको असाइन भी करना है तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स और फिर डबल कोट्स के अंदर इनको इस तरह से स्टोर करना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मिसाल के तौर पे सिर्फ जिशान और कृष्णा, ठीक है, ये हमने लिख दिए। ये हमने एक एरे को डिक्लेयर भी कर दिया, साथ साथ इनिशियलाइज भी कर दिया। यहाँ तक जब हमने कोड लिखा था तो ये खाली, अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता तो ये डिक्लेरेशन हो जाती, लेकिन मैंने साथ साथ इसको क्या कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया। डिक्लेयर करने के साथ साथ क्या कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया। इनिशियलाइज का मतलब इसमें वैल्यू भी डाल दी। अब इसको एक्सेस करने का क्या तरीका है, वही जैसे हमने लास्ट टाइम सीखा था, सी आउट << कौन सा स्टूडेंट्स एरे का नाम है, स्टूडेंट्स एरे द नेम, कौन सा एलिमेंट को एक्सेस करना है, 0 1 2 तीन एलिमेंट है, पहला एलिमेंट कंसीडर 0, अगर मुसीफ को कंसीडर करना है तो क्या लिखेंगे 0। सेव कर देते हैं फाइल को और F11 करके हम अपना कोड चला के देखते हैं। तो देखें मुसीफ एक्सेस हो गया। सिमिलरली अगर हमें एक्सेस करना था कृष्णा को तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ पे F11 लगाएंगे, तो ये देखिए कृष्णा एक्सेस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम एरे के मेंबर्स को एक्सेस भी कर सकते हैं। सिमिलरली जो लास्ट टाइम हमने सीखा था, बिल्कुल इंटीजर वाला तरीकेकार है, लेकिन स्ट्रिंग्स है तो इसकी वैल्यू को स्टोर कराना है आपने किसके अंदर, डबल कोट्स के अंदर। करके देख लें, जैसे मैंने कोड मेरा काम कर रहा है वैसे आपका कोड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ, तो 2 लिखेंगे, निशान एक्सेस करना तो 1 लिखेंगे, क्योंकि मेंबर की जो तादाद है वो स्टार्ट होती है 0 से। ईच मेंबर स्टार्ट विद 0, ठीक है। इसी तरह से एरे को मॉडिफाई करना है। मिसाल के तौर पे कृष्णा की जगह पे हमें स्टोर कराना है जतिन, तो मॉडिफाई कैसे करेंगे एरे को, एरे का नाम लिखेंगे, उसके आगे उसका एलिमेंट नंबर लिखेंगे 0 1 2 और उसके आगे =2 करके दोबारा रीअसाइन कर देंगे उसको यहाँ पे जाके, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जतिन। और अब इसी स्टेटमेंट को अगली लाइन पे लिखेंगे तो आप देखेंगे सेम एलिमेंट में कृष्णा नहीं आएगा बल्कि अब जतिन आ जाएगा। ये देखिए सही है, क्यों? क्योंकि हमने रीअसाइन कर दिया उसको। पहले एलिमेंट नंबर जो था हमारा ये वाला एलिमेंट नंबर 0 1 2 के अंदर कृष्णा था, मैंने एक्सेस एरे को मॉडिफाई किया और उसी एलिमेंट में जतिन को स्टोर करा दिया। जैसे ही जतिन स्टोर हुआ तो अगली लाइन पे सेम स्टेटमेंट का जब आउटपुट लिया तो अब कृष्णा की जगह क्या आ रहा है? जतिन आ रहा है। ठीक है, ये करके देखिए। इस तरह से आप एरे के मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे कि इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम एरे में इनपुट लेना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? इनपुट। देखिए प्रोग्राम जब होगा, कोई प्रोग्राम चलेगा तो उसमें ऐसे थोड़ी कोई वैल्यू डाल के देंगे। जब प्रोग्राम चलेगा तो उसमें कोई ऐसे वैल्यू डाल के थोड़ी ना देंगे। प्रोग्राम जब चलेगा तो वैल्यू हम प्रोग्राम चलने के दौरान डालते हैं। इस चीज को हम कहते हैं इनपुट, कि प्रोग्राम को इनपुट कैसे दिया जाए। अभी प्रोग्राम को हम इनपुट नहीं दे रहे, प्रोग्राम को पहले से ही एरे को इनिशियलाइज कर देते हैं, बस उसको आउटपुट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, आउटपुट कर रहे हैं। इनपुट की तो बात ही नहीं हो रही। अब यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए अपने कोड को डिसेबल करेंगे। एक लाइन के कोड को डिसेबल करने के लिए आप एक दफ़ा ये लगाते हैं, और अगर आपको 2-3 लाइन के कोड को डिसेबल करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर /* और जहाँ तक करना है वहाँ पर */। ये सारा कोड हमने क्या कर दिया? डिसेबल। डिसेबल कोड क्यों करते हैं? देखिए अगर प्रोग्रामर एक कोड लिखने के बाद मुतमईन नहीं है, एक कोड लिखने के बाद क्या है, मुतमईन नहीं है, अब वो दूसरा कोड लिखना चाह रहा है, तो यहाँ पे उसके पास 2 सूरतें हैं। एक सूरत ये है कि पिछला जो लिखा हुआ कोड है, यानी कि जो भी इसका एक्सपीरियंस है, उसको रिमूव कर दे और नया कोड लिखे नए तरीके से। और दूसरा सोल्यूशन ये है कि पुराने कोड को लिखा रहने, उसको फंक्शन में ना ले, उसको डिसेबल कर दे और फिर नया कोड लिखें। इनमें से सेफ तरीका और बेहतर तरीका कौन सा है? डिसेबल वाला, ताकि वो देख सके कि पुराने कोड में उसने क्या क्या मिस्टेक की थी और नए कोड में वो क्या चीज कर सके। इस तरह करने से ये वाला कोड हमारा डिसेबल हो गया। अब ये इस प्रोग्राम में लिखा हुआ जरूर है, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, जब तक कि मैं इसको एनेबल ना करूँ। अब देखिए मैं अपना प्रोग्राम चलाऊंगा तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। तो ये एक टेक्निक है प्रोग्राम कोड को डिसेबल करने की। आंखें खोल के स्क्रीन पे देख के देखो। ठीक है, हो गया सबका? हो गया। अब हम देना सीखेंगे इनपुट। तो उसके लिए एक नया एरो ले लेते हैं। एक एरे ले लिया हमने स्ट्रिंग कलर्स के नाम से, और उसको हमने यहाँ पे 4 कलर्स के लिए क्या कर दिया, सिर्फ डिक्लेयर कर रहा हूँ, इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सिर्फ डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब एरे के किसी भी एलिमेंट में इनपुट लेने के लिए, ठीक है, मैं यहाँ एक लाइन भी लिख देता हूँ कमेंट्स के तौर पर, टेकिंग इनपुट into string array। ये लाइन आपका कोड का हिस्सा नहीं है, समझने के लिए कमेंट को डिसेबल किया हुआ है मैंने इसको। ठीक है, ये कोड नहीं है, ये आपको समझाने के लिए कि क्या कर रहे हैं हम। जैसे हेडिंग नहीं डाल देते तो कोड डिसेबल तो कंपाइलर इसको पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर हमने लिखा कि भाई अब इनपुट लेना है किसके अंदर, कलर्स के अंदर। तो कलर्स के अंदर हमने इनपुट लेना है, तो कैसे लेंगे इनपुट? तो इसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे गेट लाइन, और गेट लाइन फंक्शन में यहाँ पर हम लिखेंगे cn कॉमा और फिर एरे का नाम, ठीक है, और फिर उसके आगे उसका एलिमेंट नंबर। अच्छा, एक मिनट, प्रोग्राम में थोड़ा सा दोबारा से कंपाइल करता हूँ प्रोग्राम को। यहाँ से ये काम नहीं कर रहा तो मुझे इसको जाके डायरेक्टली एक्सेस करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात ये कंपाइलर में एरर आता है और वो क्या करता है कि प्रोग्राम को कंपाइल तो कर रहा होता है लेकिन एग्जीक्यूशन सही नहीं कर रहा होता। ये आगे दोबारा ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये मैंने कोड तो लिखा है लेकिन मेरा कोड यहाँ पे इसको इनपुट लेने के लिए रुक नहीं रहा है। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और एग्जीक्यूट हो जाता है। अब मैं इसके जहाँ मैंने सेव किया था वहाँ से इसकी एग्जी फाइल को चला के देख रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए इनपुट लेने के लिए रुक रहा है। तो इसका मतलब ये कि बाज़ औक़ात कंपाइलर में कोई किसी किस्म का एरर आ जाता है जिसलिए वो हमारे कोड को सही तरह रन नहीं कर पाता। आप करके देखें आपका सही कर रहा है, काम सही कर रहा है तो ठीक है, आपका कर रहा है ना, ठीक है ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे इनपुट डाल रहा हूँ, ये इनपुट गया एरे के कौन से एलिमेंट के अंदर, जीरो एलिमेंट के अंदर। अब फॉर एग्जांपल मुझे जीरो में भी इनपुट लेना है, वन में भी लेना है, टू में भी लेना है, थ्री में भी लेना है, फोर में भी लेना है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इस पूरे कोड को कॉपी करूँ, 2 3 4 पेस्ट करूँ, फिर यहाँ पे इनके एलिमेंट के नंबर्स को चेंज करूँ, ये और ये, ठीक है। अब 4 दफ़ा इनपुट लेगा। देखिए रन हुआ प्रोग्राम और मैंने यहाँ पे लिखा जत, यहाँ से तो नहीं हुआ, वहाँ से करता हूँ प्रोग्राम को रन। ये तो यहाँ पे देखिए पहला इनपुट जतिन लिया, दिशान लिया और कृष्णा लिया और शहरियार लिया, एंटर हो गया। इनपुट तो ले रहा है, आउटपुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वही पुराना वाला कोड लिखना पड़ेगा 4 दफ़ा। कैसे, क्या लिखा था हमने यहाँ पे सी आउट, तो यहाँ पे सी आउट करेंगे। पहले इस तरह से कोड को बना लेते हैं, एंड लाइन और स्टूडेंट की जगह पे क्या लिख देंगे, एरे का नाम कलर्स और यहाँ पे 0। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी एंड देन पेस्ट एंड देन पेस्ट एंड देन पेस्ट, फिर 1 एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट, फिर 3 एलिमेंट। सही है। तो अब जो जो इनपुट हम डालेंगे वही आउटपुट हमें प्रोग्राम हमारा दिखा देगा। तो ये देखते हैं, ओके आप चलाते हैं प्रोग्राम को। ये देखिए अब मैं इसको उठा के यहाँ रख रहा हूँ, ये मेरा सोर्स कोड आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला इनपुट मैंने डाला इसके अंदर सपोज टू बी मुसिफ, ओके। दूसरा इनपुट मैंने डाला इसके अंदर फेज, तीसरा इनपुट मैंने इसके अंदर डाला हम, चौथा इनपुट मैंने इसके अंदर डाला रुमेसा, सही है। और अब आगे एंटर कर दिया, चारों इनपुट पूरे। अब आउटपुट का टाइम आ गया। अब आउटपुट इसने शो क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम में system.paus की प्रोग्राम की कमांड नहीं लिखी हुई, इसलिए वो जल्दी से गायब हो जाता है। ये मैंने ऐड कर दी, एक दफ़ा प्रोग्राम को कंपाइल किया और प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट किया। ओके अब हम डाल रहे हैं यहाँ पे करीना, सिमरन, मोर्क, समरीन, ठीक है। और देखें अब आउटपुट का टाइम है, लास्ट इनपुट के बाद चारों का आउटपुट आ गया, सही है। अब हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा एडवांस हो गया। अब हमारे प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि हम डायरेक्टली वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं भी मैंने वैल्यू असाइन नहीं की है। अब प्रोग्राम में वैल्यू असाइन हो रही है एरे के अंदर, चलने के दौरान प्रोग्राम चल रहा है, मैं जो वैल्यू डाल रहा हूँ हर दफ़ा वो स्टोर हो रही है और जो स्टोर हो रही है वही आउटपुट पे आ रही है, सही है। अब ये तो थे 4 स्टूडेंट का डेटा। अब सपोज करें ये अगर 40 का होता फिर क्या होता, तो इतना कोड लिखना पड़ेगा क्या, और 400 का होगा तो क्या होगा, 4000 का तो होगा क्या होगा। उसके लिए हम मैकेनिज्म यूज़ करेंगे लूप का। कौन सा मैकेनिज्म यूज़ करेंगे, लूप का। 4 स्टेटमेंट लिखने के बजाय मैं दोबारा से इस कोड को डिसेबल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको जब भेजूंगा फाइल तो आपको आसानी रहे। ये कोड हो गया मेरा डिसेबल। अब इसी कोड में से मैं यूज़ करूँगा ठीक है, मैंने एक एरे डिक्लेयर किया, दोबारा से नीचे आके ये आ गया। एक इनपुट लेने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया, मैकेनिज्म क्या था, फॉर के लूप का, फॉर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक वेरिएबल ले लिया आई, उसको इज इक्वल टू कर दिया 0, और उसको कितनी बार चलाना है, आई लेस देन, जो उसके मेंबर की तादाद है मैक्सिमम उससे लेस देन 4 कर दिया, और आई को प्लस प्लस कर दिया। फॉर के लूप की बॉडी बनाई, ये आ गई। अब इनपुट लेने के लिए यही स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यहाँ पर इनपुट लेते वक्त सिर्फ इस बात का ख्याल कर रहा हूँ कि 0 की जगह पे क्या डाल रहा हूँ, आई। जो 4 लाइन का, 40 लाइन का, 4000 लाइन का कोड था वो कन्वर्ट हो गया सिर्फ 1 लाइन के अंदर। यही 4 दफा इनपुट लेगा। देख रहे हैं, चला के देखते हैं कोड को, ले रहा है नहीं ले रहा। ये कोड चला और अब हमने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मोड में आया। ओके, पहला इनपुट लिया दिशान, राशिद, काशिफ, नासिर, वेरी गुड। 1 लाइन के कोड में 4 लाइन का कोड इनपुट हो गया। अब आउटपुट के लिए मैं इसी मैकेनिज्म को दोबारा से यूज कर लेते हैं। मैं इसी लूप को दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ नीचे, और यहाँ पर इनपुट की कमांड की जगह पे ऊपर वाले प्रोग्राम से अपनी कौन सी कमांड ले रहा हूँ, आउटपुट की कमांड, और उसको इसके अंदर डाल रहा हूँ, और 0 की जगह क्या लिख रहा हूँ, आई। तो जैसे ही 4 लाइन का कोड है तो 4 लाइन के तरीके से चलेगा। ये मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया, यहाँ पर एग्जीक्यूशन में डाला प्रोग्राम को, ये सोर्स कोड आपके सामने रखा। ओके, तो पहला इनपुट दिया हमने ए, बी, सी और डी, और ABCD का आउटपुट आ गया। तो कितनी लाइन का कोड था, हमने 8 लाइन का कोड हमने कन्वर्ट कर दिया कितनी लाइंस के अंदर, 4 लाइंस के अंदर। चले करके देखें आपसे हो रहा है। कौन सा, ये वाला कोड तो हो गया था ऊपर वाला, ये वाला करके देखें फॉर के लूप के जरिए। इसको करने के लिए पहले ऊपर वाला कोड आपको डिसेबल करना होगा। अगर उसको डिसेबल नहीं करेंगे, दोबारा से यही कोड लिखेंगे तो वो एरर देगा। ये कोड डिसेबल कर लिया आपने ऊपर वाला, देखो सामने स्क्रीन पर। ये डिसेबल कर लिया आपने, ओके। ये जो गेट लाइन फंक्शन है ये इनपुट लेने का काम करता है स्ट्रिंग्स के अंदर, विद स्पेस और विदाउट स्पेस दोनों वैल्यूज को। ये हमने सेट किया इनपुट विद लूप, और ये सेट किया हमने आउटपुट विद लूप।